संगीत आत्मा का नाथ है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। सुर और ताल के इस खूबसूरत कुदरती ताने बाने में पिरोए गए हमारे अनगिनत राग, हमारे अपने स्वभाव, अपने वातावरण और हमारे बेशुमार मौसमों ऋतुओं का ही अक्स हैं। हमारा शास्त्रीय संगीत सही मायनों में जीवन की कोख से ही पैदा हुआ है। जीवन की इन्हीं सुरीली संतानों को राग कहा जाता है। तो आइए, जिस जीवन का रागों ने श्रृंगार किया है, उन्हें रागों की गहराई में जाकर महानतम संगीतकारों द्वारा किए गए अध्ययनों को नमन करें। आदाब अर्ज करता हूं, मेरा नाम शुजात खान है और आप सबका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम रखा है मौसिकी एक खोज। मौसिकी आप सब समझते हैं, म्यूजिक को कहते हैं, और खोज सर्च को कहते हैं। इसमें हम लोग ने बेहद रिसर्च किया, बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया। इस किस्म से आप तक एक चीज़ पहुंचाई जाए, इसमें टेक्निकलिटी हमने नहीं डाली। मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने एक राग लिया। फ़र्ज करिए हम लोग इस वक्त यमन लेते हैं, तो हम एक राग लेने वाले हैं और उसमें हम आपको बताएंगे कि इस राग के रंग रूप, फीलिंग, मस्ती और उसको पेश करने के क्या अलग अलग खूबसूरत तरीके होते हैं। इसमें आलाप भी होता है, इसमें क्लासिकल भी होता है, सेमी क्लासिकल भी होता है, गीत होते हैं, भजन होते हैं, सूफी म्यूज़िक होता है, मगर सब इस राग में होता है। कोशिश ये है कि अब ये निरे गा मा पा मा गा रे पा मा गा रे निधा निरे निधा पा। अब मैं आपको बताऊं कि भाई वादी ये है और संवादी ये है। ये सब सीखने जाएं तो हम लोग बहुत आसानी से किसी स्कूल में जाके किसी गुरु से बैठें, उनके साथ सीखें, मगर हमारी कोशिश ये है कि हम आप तक पहुंचाएं कि मेहंदी हसन साहब ने गाना गाया है, रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए। अब ये भी यमन में ही है। तो इस राग के क्या अलग अलग रंग और रूप होते हैं, और राग ज़रूरी ये नहीं है, सब लोग कहते हैं भाई राग है ये कोई मौसम के हिसाब से गाया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। नाम है जोगिया। अब राग जोगिया है तो इसमें अगर आपको एक पूरा तस्वीर, एक तस्वीर एक जोगिया की, एक फ़कीर की एक तस्वीर आपके सामने आ जाए। कुछ राग हैं जो दिन में दरबारी, रात का वक्त है उसका ग्रैंडियोरिटी आप तक पहुंचाती है। तो इस किस्म के कुछ सुबह के राग हैं, तोड़ी हैं, जो सुबह के अर्ली मॉर्निंग बैरागी भैरव है। तो इस तरह आपको रागों की खूबसूरती और उसके कितने अलग अलग रूप हैं, इससे आपको रूबरू किया जाए। इसमें हम लोग बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुलाएंगे और ऐसे आर्टिस्टों को जिनका नाम आपने सुना है मगर हो सकता है उनको नज़दीक से देखने की हमको मौका नहीं मिलता कभी कभी, उनको हम आपके पास आपके नज़दीक लेके आ सकें। तो आपका एक बार और स्वागत है मौसीकी एक खोज। आज का राग, राग का मोद, बड़ा खूबसूरत राग है सुनने में। देखिए बहुत दफ़ा मैं गाना बजाना सुनता हूँ और कुछ सुनता हूँ और लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो घर जाके बजाऊंगा, मगर जब इंसान बजाने की कोशिश करता है तो पता लगता है कि कितना मुश्किल, कितना अलग किस्म का अंदाज़, कितना जद्दोजहद, कितना रियाज़ करना पड़ता है एक पोजीशन उस चीज़ को खूबसूरती से पेश करने के लिए। ये राग शाम का राग है, 7-8-9 बजे गाया बजाया जाता है और बहुत सारी बंदिशें इसमें आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि एक बड़ी मुश्किल चलन है। ज़्यादातर सीधा आना जाना होता है आरोही अवरोही में। रे सा मा रे पा मा धा पा सा नी रे सा धा पा का मा धा पा धा रे सा। तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सी चलन है। मुझे याद आता है अलग अलग नाम रखते थे बड़े बड़े
आर्टिस्ट लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग समझाने के लिए कहते, भाई एक दफ़ा मुझे याद है मैं पूछ रहा था कि भाई किस तरह की चलन है, अब्बा से बात कर रहा था तो कहने लगे कि भाई ये समझो कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता ही चले जाता है। अब समझने की बात है, अभी सरे समरे प म ध प स नि रे स ध प म प ग म ध प ग म रे स, इस किस्म का एक मूवमेंट है, तो समझाने का तौर तरीका अलग हुआ करता था। पंडित राजन साजन मिश्रा हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े गायक हैं, मेरे बहुत निजी बहुत अपने हैं, मित्र हैं, और कामोद बड़े शौक से गाते हैं। अब तो हिंदुस्तान में जहाँ वो गाते हैं, एक दफ़ा लोगों की फरमाइश ज़रूर होती है कि भाई कामोद ज़रूर सुनाएं, तो हमने भी उनसे ये फरमाइश करी कि आप तक पहुँचाएँ थोड़ी देर, राजन साजन मिश्रा जी का गाया हुआ कामोद सुनिए। बरस
सदा रंगी मोहम्मद बरसे जाने न दूंगे रे माय तेरे बाप मा बाप धड़ा ला बाप गामा बाप गामा रे जाए रे जाने न दूंगे दामा बाप गामा रे जाए रे जाने न दूंगे मामा मा रे जाए धड़ा ला बाप गामा बाप गामा रे जाए धड़ा ला बाप धड़ा ला बाप धड़ा बाप गामा बाप गामा रे 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 बाप 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 धड़ा 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 रे जाने न दूंगे आ रे जाने न दूंगे रे रे माय अपने बलम को अपने बलम को बलम को अपने बलम को अपने अपन बलम को नैनन में कर राखू पलक मोद मोद रे जन न दूंगे रे माय रे जन एक खास राग कामोद में मेरा ख्याल है कुछ राग कुछ साजों के लिए बने हुए हैं। फ्लूट में एक खास मजा आता है ये एक जो फ्लो है कामोद का ये फ्लूट में बहुत खूबसूरती से निखर के आता है आपके सामने। मुझे द बजारे ये बहुत अच्छा लगता है ये जो मूवमेंट रोनू मजूमदार जी फ्लूट से बहुत खास संबंध रखने वाले लोग सब उनको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। उनका बजाया हुआ कामोद प्रस्तुत है राग कामोद। राग कामोद जब भी गाया बजाया जाता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को याद किए बिना ये राग पूरा हो सकता है ऐसा मुझे लगता नहीं। उन्होंने कामोद को इतना सुंदर गाया उन्हीं को याद करते हुए एक उन्हीं की चीज़ छाड़ दे मोरा अंचरा
पेश कर रहा हूं। घर जाने दे मोको देखत सब लुंगवा छड़ दे मोरल चरा घर जाने दे मोको देखत सब लुंगवा छड़ दे मोरल चरा अब की बेर मोहे जाने दे सब रंग अब की बेर मोहे जाने दे सब रंग बल जाऊं तोरे मितवा छड़ दे ए मोरल चरा चा सारे भगामा दा भगामा सादा भगामा दा भगामा भगामा रे जा छड़ दे
कामोद में क्लासिकल कॉम्पोजिशंस तो होते ही हैं, इंस्ट्रूमेंटल या वोकल, मगर लाइट क्लासिकल भजन गीत ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सारथी चैटर्जी ने एक बड़ा खूबसूरत भजन गाया है, उसमें कामोद के बहुत खूबसूरत एक दो जो अंदाज हैं, एक दो रंग हैं, बहुत निखर के सामने आए हैं। आइए मैं आपको सुनवाऊं। सब दिन हो तन एक समान, 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 सब दिन गृह सेवत एक दिन जन स्वपच गृह सेवत अंबर तम सन, अंबर हर तम सन, सब दिन हो तन एक समान, सब दिन हो तन एक समान, एक दिन दुलबन तबराते, एक दिन चमुद से गढ़त निक दिन दूल बनत बरात, चमुद से गढ़त एक दिन एक दिन से तारुदन करत है, एक दिन से तारुदन करत है, महाविपिन वो जान, एक दिन विचरत पुष्प विमान, विचरत पुष्प विमान, सब दिन हो तन एक समान, सब दिन हो तन
एक दिन राज युधिष्ठिर एक दिन राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान जीवन के किसी भी मोड़ पर रुककर देखिए, आपको संगीत तो सुनाई देगा ही। संगीत चाहे आज का हो या आने वाले कल का, पैदा गुजरे कल की कोक से ही हुआ है। हमारा ये कार्यक्रम मौसीकी एक खोज इसी सोच पर आधारित है। फिल्मी गीत हो, ठुमरी हो, वादन हो या शास्त्रीय गायन, सबकी बुनियाद राग हैं। इन्हीं रागों को संगीत के अलग अलग पहलुओं से समझाने का सुरमई आईना है मौसी की एक खोज।